हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न कंप्यूटर पर। मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चों ने मार्च एग्जाम के एग्जाम दिया था, वो बहुत सारे बच्चे रिजल्ट को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो आज मैं आप सभी को यही बताऊंगा कि रिजल्ट कैसे डाउनलोड करेंगे। तो आइए, आज पहले आप सभी गूगल क्रोम को ऑन कर लीजिएगा, चाहे आपके एनी अदर यूज करते हो, चाहे आप कोई सा भी सर्च इंजन यूज कर रहे हैं, आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद इसमें आपको लिखना है NIELIT। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे फिर इंटर कर देना है। ये आपको वेबसाइट जो है मैं डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो ये सब करने की जरूरत नहीं होगी। उस पर आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन पर लिंक पर क्लिक कीजिएगा, डायरेक्टली आप वेबसाइट पे पहुंच जाइएगा। देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट है, स्टूडेंट लिंक पर क्लिक करना है, स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट पर जैसे हम क्लिक करेंगे, ये हमारा एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन दिखाता है, इसको हमें यहाँ से कट कर लेना है। कट करने के बाद यहाँ रिजल्ट पे आना है, रिजल्ट नोटिफिकेशन। देखिए, यहाँ पे आपको मार्च 2023 का आया हुआ है कि यहाँ पे आप सब देखिए, यहाँ पे नोटिफिकेशन आए हुए हैं। देखिए, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट का यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट फॉर रिजल्ट कैन बी व्यूड प्रिंटेड फ्रॉम 25 अप्रैल 2023 फॉर रोल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम HD। मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए आपके स्टार्टिंग फ्रॉम HD वालों का, गो वालों का, DL, ये जितने भी मतलब शुरू से जो स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ है, जिसमें HD में, जिसमें आपका रोल नंबर HD से है, गो से है, DL से है, M से है, KK से है, Q से है, SN से है, LU से है या NG से है, तो ये जितने भी आपको ये रोल नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके जितने आप लोगों के पास होंगे तो इसका आपका व्यू दिखाएगा, ठीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे कि जितने आप लोग का रोल नंबर HD से स्टार्ट हुआ है, गो से स्टार्ट हुआ है, DL से स्टार्ट हुआ है, LM से स्टार्ट हुआ है, तो उन सभी का रिजल्ट आ चुका है। अब ये बात हो गई। अब अगला हम देखते हैं कि रिजल्ट को हम कैसे देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको व्यू रिजल्ट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, व्यू रिजल्ट, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है। व्यू रिजल्ट पर जैसे हम क्लिक करेंगे स्टूडेंट, देखिए हमारा एक इंटरफेस आएगा, अगला इंटरफेस आएगा। यहाँ पे अब हमें क्लिक करना है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, ट्रिपल सी का आपको रिजल्ट चेक करना है, इसलिए हम याद कर रहे हैं कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारा एक नया इंटरफेस आएगा, जो कि नया इंटरफेस में हमें यहाँ पूछा गया है कि सर्च बाय रोल नंबर, सर्च बाय कैंडिडेट नेम और सर्च बाय एप्लीकेशन नंबर। तो आप जिसके मेथड से चेक करना चाहते हैं उसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताता हूँ सर्च बाय रोल नंबर से कैसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है 2023 एग्जामिनेशन चल रहा है। अगला है एग्जामिनेशन नेम, तो आप कौन से ईयर का मंथ का देखना चाह रहे हैं, तो मार्च में आपने एग्जाम दिया था उसका रिजल्ट देखना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप रोल नंबर डालेंगे, जैसे मान लीजिए आपका गो से स्टार्ट है रोल नंबर, तो ऐसे ही आप यहाँ पे डाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, डेट ऑफ बर्थ आपको इसी के फॉर्मेट डालना है, जो आपको फॉर्मेट बताया गया है उसी के फॉर्मेट में आपको सभी को डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे कैप्चर कोड जो दिया गया है, कैप्चर कोड यहाँ पे डाल देना है, और उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। तो ये तो था सर्च बाय रोल नंबर से। अगेन देखिए कि सर्च बाय कैंडिडेट नेम से हम कैसे चेक कर सकते हैं। सर्च बाय कैंडिडेट नेम से चेक करना है, देखिए 2023 है, एग्जामिनेशन नेम हमारा मार्च होगा, इंटर कैंडिडेट नेम बताना है यहाँ पे, जो भी आपका नाम होगा, जैसे मान लीजिए आप कोई सा भी, मान लीजिए आपका रोहित नाम है, आप तो अपना नाम पूरे तरीके से जो आपको रजिस्ट्रेशन में मिला गया है, एडमिट कार्ड में मिला है, उसमें आपको वही नेम इसमें फिलअप करना है। उसके बाद आप सभी को डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट जो दिया हुआ है उसी का डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट इसमें डालना है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। उसके बाद आप कैप्चर कोड डालेंगे और यहाँ से आप व्यू कर लेंगे, तो इससे भी आप रिजल्ट को देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सर्च बाय एप्लीकेशन नंबर। एप्लीकेशन नंबर से आप कैसे देखेंगे, देखिए आपका एग्जामिनेशन ईयर 2023 ही है, एग्जामिनेशन नेम क्या है, मार्च में आपने एग्जाम दिया था तो आप मार्च यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर एक मिला होगा, तो एप्लीकेशन नंबर आप यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन नंबर होगा वो आप यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। अगला आपका है डेट ऑफ बर्थ, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है इसके फॉर्मेट, जो फॉर्मेट दिखाया गया है इसी फॉर्मेट के बेस पर इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। और इसके बाद आप कैप्चर कोड डालिएगा, कैप्चर कोड डालने के बाद आप यहाँ पे व्यू पे क्लिक कीजिएगा। व्यू पे क्लिक करने के बाद एक आपका एक नया इंटरफेस आएगा जिसमें आप सभी को रिजल्ट दिखेगा। तो आप, मैं ऐसा करता हूँ, आप लोग समझ गए होंगे कि रिजल्ट को कैसे देखना है। तो जो बच्चे मार्च में एग्जाम दिए थे, आप सभी इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके रिजल्ट में बिल्कुल हेल्पफुल मिलेगा, आप रिजल्ट देख पाएंगे अच्छी तरीके से। और आप सभी को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहां से डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चे मई का एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी हमें रात 8 बजे क्लास में जुड़िएगा, जो डेली लाइव क्लासेस चलती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।